हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, रेवाड़ी के धारूहेड़ा स्थित हीरो कार्प मोटर्स में बतौर सुपरवाइजर कार्यरत जब अपने दो जानकार युवकों की कंपनी में नौकरी नहीं लगवा पाया तो सुपरवाइजर को डिनर पर आमंत्रित कर गला दबाकर उतार दिया मौत के घाट। पुलिस गिरफ्त में आया हत्यारोपी राजेश ने एक महीना पूर्व अपने अन्य साथी शैलेंद्र के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। दूसरा आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर। पुलिस का दावा, जल्द होगी दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी। वारदात की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक अमित भाटिया ने बताया कि सच्चिदानंद नाम का एक शख्स हीरो कार्प मोटर्स में बतौर सुपरवाइजर कार्यरत था। सच्चिदानंद के दो जानकार युवक राजेश व शैलेंद्र, जो कि दोनों बिहार के रहने वाले हैं और दोनों ही धारूहेड़ा में किराए के मकान में रहते थे, वह काफी समय से सच्चिदानंद से कंपनी में नौकरी लगवाने के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन जब वह इनकी नौकरी नहीं लगवा पाया तो इन दोनों ने उसे डिनर के बहाने अपने कमरे पर डिनर के लिए आमंत्रित किया। डिनर के वक्त दोनों ने म्यूजिक सिस्टम का साउंड तेज कर दिया और फिर उसके हाथ पैर बांधने के बाद उसकी गला दबा कर हत्या कर दी। मृतक के शव को दोनों ने एक प्लास्टिक के कट्टे में बंद कर गाँव मालपुरा स्थित खाली प्लॉट में छिपा दिया। मृतक के फोन कॉल डिटेल के आधार पर बिहार निवासी राजेश को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका दूसरा साथी शैलेंद्र फरार हो गया, जिसकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। जैसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई तो इनको शक हो गया कि पुलिस इनको पकड़ लेगी, तो ये दोनों ही व्यक्ति अपने जो किराए के एक मकान पर रहते थे वहाँ से ये फरार हो गए। एक मालपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री है, ओल्ड फैक्ट्री है। ओल्ड फैक्ट्री के साथ ही एक वेकेंट एक प्लॉट था, तो प्लॉट में ये शव प्राप्त हुआ था, जिसमें कि जो मृतक है इनके हाथ और पैर को बांधा गया था और एक जो प्लास्टिक जो कि एक बैग होती है उसमें उसको डाला हुआ था। तो जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई थी, इमिडिएटली हमने सभी एंगल्स पे काम किया था कि किस किस व्यक्ति से सच्चिदानंद मिले हैं, और उससे फिर हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि ये इनके संपर्क में आए हैं जो अक्यूज्ड हैं, और फिर फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन किया।